फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ वेजी टिक्की की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये टिक्की बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही कुरकुरी बनकर तैयार होगी। बनाने के लिए मैंने जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, मैंने 5 बॉयल आलू लिए हैं। आलू को उबालने के बाद मैंने थोड़ा सा ठंडा कर लिया, आलू हमारे गुनगुने से हैं। मैंने चिली फ्लिक ली है थोड़ी सी। मैंने पिज्जा सीजनिंग ली है, लाल मिर्च, जीरा पाउडर, थोड़ा सा सूखा धनिया पाउडर, नमक और थोड़ा सा चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो यहाँ आप आमचूर पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। बाइंडिंग के लिए 2 से 3 चम्मच मैंने मैदे के लिए हैं। थोड़े से स्वीट कॉर्न लिए मैंने फ्रोजन, जिसको छोटे टुकड़ों में मैंने कट कर लिया है। 2 हरी मिर्च जिसको मैंने बारीक कट कर लिया है। 1 शिमला मिर्च जिसको मैंने बारीक कट कर लिया है। 1 प्याज जिसको मैंने बहुत बारीक कट करा है। 1 गाजर जिसको मैंने ग्रेट कर लिया हुआ है, आप चाहें तो बारीक कट भी कर सकते हैं। पत्ता गोभी जिसको मैंने बारीक कट कर लिया हुआ है और थोड़ा सा धनिया लिया है मैंने। सबसे पहले हम अपने आलूओं को फोर्क की हेल्प से मैश कर लेंगे अच्छे से। मैंने अच्छे से मैश कर लिया। अब मैं इसमें सब्जियां ऐड कर लूंगी, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, स्वीट कॉर्न, प्याज। अगर आप प्याज नहीं खाना पसंद करते हो तो आप प्याज को स्किप भी कर सकते हैं। गाजर, पत्ता गोभी और हरा धनिया। इसी के साथ मैं इसमें थोड़े से सूखे मसाले ऐड कर लूँगी। लाल मिर्च मैं बहुत कम यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इसकी जगह मैं चिली फ्लेक्स थोड़ी सी यूज़ करूँगी। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स ना हो तो आप लाल मिर्च की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। थोड़ी सी पिज़्ज़ा सीजनिंग एक बढ़िया वाले फ्लेवर के लिए, इससे टिक्की का फ्लेवर बहुत बढ़िया आएगा। नमक, 1/2 स्पून चाट मसाला, थोड़ा सा सूखा धनिया पाउडर और थोड़ा सा जीरा पाउडर। 3 चम्मच में मैदे के डाल रही हूँ उसमें बाइंडिंग के लिए। आप कॉर्नफ्लावर, राइस का आटा, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो चीज़ डाल सकते हैं। अब इन सब की अच्छे से मैं बाइंडिंग कर लूँगी, हाथ की हेल्प से इन सबको अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। आलू को मैंने अच्छे से मैश कर लिया हुआ है। अगर आपको बाइंडिंग में थोड़ी सी मुश्किल लगे तो आप 1/2 चम्मच मैदे का और यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसकी टिक्की बनाएंगे। 1 बाउल ले लेंगे इसमें से आलू का, और चाहे तो हल्का सा ऑयल भी हम हाथ पे लगा सकते हैं। तरह से राउंड शेप ले लीजिए, हल्का सा प्रेस करके साइड से एकदम मार्केट जैसे हम टिक्की का शेप देंगे इसको। देखिए इस तरीके से हम टिक्की की सभी टिक्कियों को शेप दे लेंगे। देखिए मैं एक टिक्की को और शेप देकर दिखा देती हूँ। पहले हम राउंड कर लेंगे, हल्का सा हाथ से प्रेस कर लीजिए और साइड से इस तरह से हम शेप दे देंगे। देखिए इसी तरह हम सभी टिक्कियों को बनाकर तैयार कर लेंगे। सभी टिक्कियों को तैयार कर लिया हुआ है। ऑयल को मैंने पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था। आप चाहे तो शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, आप चाहे तो डीप फ्राई भी टिक्की को कर सकते हैं। अब हम टिक्की को ऐड कर लेंगे ऑयल में। और नीचे से क्रिस्पी होने तक पहले सेक लेंगे, फिर टर्न करके हम इसको दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे। ये टिक्कियाँ नीचे से अच्छी क्रिस्पी हो चुकी हुई हैं, अब हम टर्न करके इसको दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। देखिए कितनी क्रिस्पी फ्राई हुई है ऊपर से। इसी तरह मैं सभी टिक्कियों को टर्न करके दूसरी तरफ से भी अच्छा गोल्डन होने तक फ्राई कर लूँगी। देखिए मेरी टिक्कियाँ दोनों तरफ से काफ़ी क्रिस्पी फ्राई हो चुकी हुई हैं। ये देखिए कितनी फूली फूली और कितनी क्रिस्पी टिक्कियाँ बनकर तैयार हुई हैं। अब हम अपनी टिक्कियों को निकाल लेंगे। कितनी क्रिस्पी बनी है टिक्कियाँ। इसी तरह सभी टिक्कियों को मैं प्लेट में निकाल लूँगी। टिक्की बनकर बिल्कुल तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।